रिपोर्ट हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की है। देखिए ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के साथ हमारे संवाददाता की एक खास बातचीत। कांग्रेस पार्टी ने हरिद्वार नगर विधानसभा सीट पर दिग्गज संत और दिग्गज कांग्रेसी नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी पर दांव लगाया है। हमारे साथ इस समय ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे महाराज। कांग्रेस पार्टी ने मुझे हरिद्वार लोक विधानसभा सीट पे भेजा है। कांग्रेस पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया। सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि जो हाईकमान ने विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर खरा उतरने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी और हरिद्वार की जनता के विश्वास को भी मैं जीतने की कोशिश करूंगा। मेरा मुख्य मुद्दा, कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुद्दा विकास का है। जो हरिद्वार में 15 साल से कोई भी विकास की बात नहीं हुई है, विकास यहाँ का नहीं हुआ। यहाँ की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। यहाँ का युवा वर्ग डेवलपमेंट चाहता है। हरिद्वार जिस धार्मिक भावना से, जिस मर्यादा से जाना जाता है, उस मर्यादा के अनुरूप यहाँ डेवलपमेंट कराएंगे या विकास कराएंगे। पिछले 15 साल से हरिद्वार नगर विधानसभा सीट पर भाजपा के विधायक हैं मदन कौशिक की, तो आप क्या मानते हैं महाराज जी, उन्होंने क्योंकि विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थली है हरिद्वार, तो हरिद्वार के विकास के लिए क्या कार्य किए? देखिए मैं जनता के सामने अपनी बात रखूंगा और जो मेरा एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, उसका जनता के सामने रखूंगा। 15 साल में विधायक जी ने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, वो हरिद्वार की जनता जरूर जानती है और जरूर पूछेगी। लेकिन मेरी व्यक्तिगत ये है कि हम अपने जिस एजेंडे से जनता के बीच में आ रहे हैं, उसकी मैं बात रखूंगा। कांग्रेस पार्टी की यदि हम बात करें तो हरिद्वार विधानसभा सीट पर पिछले 27 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए सूखा है। कांग्रेस पार्टी इस सीट को नहीं जीत पाई है, तो क्या आप क्या मुख्य मुद्दे लेकर जाएंगे कि जनता कांग्रेस को वोट दे? देखिए मुद्दे तो कांग्रेस के यहाँ के डेवलपमेंट के हैं, यहाँ की संस्कृति के हैं, यहाँ बच्चों के भविष्य के लिए हैं, यहाँ के गंगा के मुद्दे हैं, यहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात है। जो पिछले 15-27 साल से कांग्रेस बनवास में है, मुझे लगता है कि एक संत को यहाँ कांग्रेस पार्टी ने विश्वास, कांग्रेस का कार्यकर्ताओं के विश्वास को लेकर के यहाँ एक संत को उतारा है, तो मुझे लगता है कि वनवास पूरा होगा। संत बाहुल्य क्षेत्र है कांग्रेस, तो आप भी दिग्गज संत हैं, तो कैसे आप जो संत समाज है उसे कांग्रेस के प्रति कैसे एकजुट कर पाएंगे? देखिए संत समाज भी विकास चाहता है और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार में पहली बार एक पुराने संत को टिकट मिला है, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा। तो ये थे कांग्रेस के हरिद्वार नगर सीट से उम्मीदवार ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका साफ कहना है कि चूंकि कांग्रेस ने पुराने संत को टिकट दिया है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए 27 सालों का सूखा खत्म होगा और कांग्रेस हरिद्वार नगर की सीट हर हाल में जीतेगी। इंडिया वॉइस के लिए रूपेश वालिया हरिद्वार। इंडिया वॉइस दे रहा हूं।